फ्रेंड्स, टुडेज लेक्चर इज ऑन साइक्लॉइड। आज के लेक्चर के बाद आप क्या सीख जाएंगे? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ साइक्लॉइडल कर्व्स। यू विल बी एबल टू डिफाइन साइक्लॉइड एंड यू विल बी एबल टू ड्राफ्ट साइक्लॉइड। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ साइक्लॉइडल कर्व्स। साइक्लॉइडल कर्व्स आर यूज्ड in the design of gear tooth profile. What is a gear? This is the picture of a gear. What is gear tooth? This is the gear tooth. And what is gear tooth profile? Gear tooth profile is the curved surface of the gear tooth. Gear tooth ka curved surface जिस प्रकार का कर्व रहता है उसे हम गियर टूथ प्रोफाइल कहते हैं। साइक्लॉइडल गियर्स में गियर टूथ का कर्व सरफेस साइक्लॉइडल रहता है। लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ साइक्लॉइड। साइक्लॉइड क्या होता है? व्हेन अ सर्कल रोल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिपिंग then curve traced by point P on the circumference of rolling circle is called a cycloid. Cycloid की definition क्या है? जब एक circle लुढ़कता है एक straight line पर बगैर फिसले हुए, तो circle के circumference पे जो point P रहता है वो जो रास्ता trace करता है उस रास्ते को हम साइक्लॉइड कहते हैं। एक सचमुच का साइक्लॉइड मैं आपके सामने बना रहा हूं। दिस इज द रोलिंग सर्कल ऑफ रेडियस 25 मिलीमीटर और ये रोलिंग सर्कल लुढ़केगा इस स्ट्रेट लाइन पर बगैर फिसले हुए, और इस रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस पर ये जो पॉइंट पी है इसका रास्ता हमें ट्रेस करना है। मैं रोलिंग सर्कल को लुढ़का रहा हूं, ये रोलिंग सर्कल लुढ़कना चालू हो गया है और पॉइंट पी on the circumference of rolling circle is tracing a curve called cycloid. What is the definition of cycloid? When a circle rolls on a straight line without slipping, then curve traced by point P on the circumference of rolling circle is called a cycloid. Ye एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने वाला है रोलिंग सर्कल का, और एक रिवॉल्यूशन में रोलिंग सर्कल कितना आगे बढ़ेगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस 2πr। ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है रोलिंग सर्कल का और ये जो कर्व बना है दिस इज कॉल्ड ए साइक्लॉइड। एक बात आपने नोटिस करी होगी सर्कल के रोटेशन के दौरान कि when rolling circle completes one revolution, then linear distance covered by it along the straight line is equal to circumference of rolling circle 2πr, मतलब 2 into 3.14 into 25, 157 millimeter. हमारा rolling circle 25 millimeter radius का था और एक चक्कर लुढ़कने पे वो सरकमफेरेंस के बराबर आगे बढ़ेगा 157 मिलीमीटर। देखिए ये रोलिंग सर्कल है 25 रेडियस का और एक चक्कर रोल होने पे कितना आगे बढ़ेगा,
इक्वल टू इट्स सरकमफेरेंस 157 मिलीमीटर। एक बार और आपके सामने साइक्लॉइड बन रहा है, रोलिंग सर्कल रोल हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे विदाउट स्लिपिंग, और रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट पी है वो एक कर्व ट्रेस कर रहा है जिसे कि हम साइक्लॉइड कहते हैं। इस इलस्ट्रेशन से हमें ये अच्छे से समझ आ गया है कि एक चक्कर रोल होने पे स्ट्रेट लाइन के अलोंग रोलिंग सर्कल कितना आगे बढ़ता है, इक्वल टू इट्स सरकमफेरेंस 2πr इक्वल टू 157 मिलीमीटर। ये एक चक्कर कंप्लीट होने वाला है और एक चक्कर रोटेशन के दौरान रोलिंग सर्कल सरकमफेरेंस के बराबर आगे बढ़ा है स्ट्रेट लाइन पे 2πr इक्वल टू 157 मिलीमीटर। वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड इज अनदर नेम फॉर रोलिंग सर्कल इज जनरेटिंग सर्कल बिकॉज पॉइंट पी ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ रोलिंग सर्कल जनरेट्स द कर्व साइक्लॉइड। रोलिंग सर्कल का एक और नाम जनरेटिंग सर्कल भी है क्योंकि जब जनरेटिंग सर्कल रोल होता है स्ट्रेट लाइन पे बगैर फिसले हुए तो जनरेटिंग सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट पी है वो कागज पे जो कर्व जनरेट करता है उसे हम साइक्लॉइड कहते हैं। लेट अस नाउ सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन साइक्लॉइड। क्वेश्चन लिखिएगा, कंस्ट्रक्ट अ साइक्लॉइड गिवन डायमीटर ऑफ जनरेटिंग सर्कल इज 50 मिलीमीटर। Draw a normal and tangent to the curve at a point 35 millimeter above the baseline. देखिए क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको। हमारा क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए साइक्लॉइड गिवन डायमीटर ऑफ जनरेटिंग सर्कल इज 50 मिलीमीटर। Draw a normal and tangent to the curve at a point 35 millimeter above the baseline. देखिए हमारा गिवन डाटा क्या है, डायमीटर ऑफ रोलिंग सर्कल इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना होगा रोलिंग सर्कल का, 50/2 25 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर। देखिए अब सवाल यह उठता है कि हम साइक्लॉइड को ड्राइंग शीट में कैसे बनाएंगे, तो उसकी लॉजिक हम इस एनिमेशन के द्वारा डेवलप करेंगे। देखिए ये हमारा सर्कल है और ये रोल हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे विदाउट स्लिपिंग, और इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर जो पॉइंट पी है उसका रास्ता हमें ट्रेस करना है और वही रास्ता क्या कहलाएगा, साइक्लॉइड कहलाएगा। तो हम क्या सोच रहे हैं, इस पूरे सर्कल को 30 डिग्री के 12 इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं, 30 डिग्री रोल करेंगे सर्कल को, पी जहां पहुंचेगा मार्क करेंगे, फिर 30 डिग्री रोल करेंगे सर्कल को, पी जहां पहुंचेगा मार्क करेंगे, लाइक दिस वी विल प्रोसीड। तो सवाल यह उठता है कि 30 डिग्री रोल होने पे सर्कल आगे कितना बढ़ेगा। तो कंसेप्ट यह है कि एक चक्कर रोल होने पे सर्कल कितना आगे बढ़ता है, सरकमफेरेंस के बराबर आगे बढ़ता है 2πr इक्वल टू 157 मिलीमीटर। तो 30 डिग्री रोल होने पे सर्कल मतलब 1/12 ऑफ रिवॉल्यूशन से रोल होने पे सर्कल कितना आगे बढ़ेगा, 1/12 ऑफ सरकमफेरेंस के बराबर आगे बढ़ेगा। तो स्टेप टू क्या है, हम इस सरकमफेरेंस के बराबर लेंथ की स्ट्रेट लाइन को 12 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। अब जब 2 डैश के कांटेक्ट में आएगा तो P कहां पहुंचेगा, ये सवाल उठता है। जब 2 डैश के कांटेक्ट में आएगा तो P एक लेवल ऊपर 12 के लेवल में पहुंचेगा। देखिए 2 डैश के कांटेक्ट में आया, सेंटर C2 पे पहुंचा, और इस सेंटर C2 से P की दूरी रेडियस के बराबर, और P एक लेवल ऊपर 12 के लेवल पे पहुंच गया है।
तो स्टेप थ्री क्या है, आप सारे सेंटर्स मार्क करेंगे, टू डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, सी टू थ्री डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, सी थ्री फोर डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, सी फोर। और फिर स्टेप फोर क्या है, आप सारे लेवल्स बनाएंगे, 12 का 2 का लेवल, 11 का 3 का लेवल, 10 का 4 का लेवल, 9 का 5 का लेवल और 6 का और 8 का लेवल और 7 का लेवल। और फिर आप प्रकार रेडियस के बराबर सेट करेंगे, प्रकार की पिन सेंटर सी टू पे रखेंगे और 12 के लेवल पे आर्क लगाएंगे, यू विल गेट पी टू। देखिए ये टू टू डैश के कांटेक्ट में सेंटर सी टू पे और सेंटर सी टू से पी की दूरी रेडियस के बराबर और पी एक लेवल ऊपर पहुंच गया। और लुढ़काए सर्कल को, जब थ्री थ्री डैश के कांटेक्ट में आएगा तो सेंटर आगे बढ़कर सी थ्री पे पहुंचेगा और इस नए सेंटर सी थ्री से पी की दूरी रेडियस के बराबर होगी एंड पी विल मूव वन लेवल हायर। तो देखिए ये सर्कल लुढ़क रहा है, थ्री थ्री डैश के कांटेक्ट में आया, सेंटर सी थ्री पे आया और सेंटर सी थ्री से पी की दूरी रेडियस के बराबर और पी एक लेवल ऊपर, दिस इज पी थ्री। तो इसी तरीके से आप काम करते जाएंगे और आपका साइक्लॉयड जो है वो बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन उतारिए, वीडियो को पॉज करिए और अपने दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। कम से कम 15 मिनट ट्राई करिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिएगा, सीधे सॉल्यूशन नहीं देखिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझाना चालू कर रहा हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट द साइक्लॉयड गिवन डायमीटर ऑफ जनरेटिंग सर्कल इज 50 मिलीमीटर, ड्रॉ अ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट 35 मिलीमीटर अबव बेस लाइन। डायमीटर जनरेटिंग सर्कल का 50 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 25 मिलीमीटर होगा। टेंजेंट और नॉर्मल हमें कहाँ बनाना है, हमें साइक्लॉइड के उस पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल बनाना है जिसकी बेस लाइन से ऊंचाई 35 मिलीमीटर है। अब सवाल यह उठता है कि हम साइक्लॉइड को ड्राइंग शीट में कैसे बनाएंगे, तो उसकी लॉजिक हम इस एनिमेशन के द्वारा डेवलप करेंगे। देखिए ये हमारा सर्कल है और ये रोल हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे विदाउट स्लिपिंग और इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर जो पॉइंट पी है उसका रास्ता हमें ट्रेस करना है और वही रास्ता क्या कहलाएगा, साइक्लॉइड कहलाएगा। तो हम क्या सोच रहे हैं, इस पूरे सर्कल को 30 डिग्री के 12 इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं, 30 डिग्री रोल करेंगे सर्कल को, पी जहां पहुंचेगा मार्क करेंगे, फिर 30 डिग्री रोल करेंगे सर्कल को, पी जहां पहुंचेगा मार्क करेंगे, लाइक दिस वी विल प्रोसीड। तो सवाल यह उठता है कि 30 डिग्री रोल होने पे सर्कल आगे कितना बढ़ेगा, तो कंसेप्ट यह है कि एक चक्कर रोल होने पे सर्कल कितना आगे बढ़ता है, सर्कमफेरेंस के बराबर आगे बढ़ता है 2 पाई आर इक्वल टू 157 मिलीमीटर। तो 30 डिग्री रोल होने पे सर्कल मतलब 1/12 ऑफ रिवॉल्यूशन से रोल होने पे सर्कल कितना आगे बढ़ेगा, 1/12 ऑफ सर्कमफेरेंस के बराबर आगे बढ़ेगा। तो स्टेप टू क्या है, हम इस सर्कमफेरेंस के बराबर लेंथ की स्ट्रेट लाइन को 12 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। अब जब 2 टू डैश के कांटेक्ट में आएगा तो P कहां पहुंचेगा, ये सवाल उठता है। जब 2 टू डैश के कांटेक्ट में आएगा तो P एक लेवल ऊपर 12 के लेवल पे पहुंचेगा। देखिए 2 टू डैश के कांटेक्ट में आया, सेंटर C2 पे पहुंचा और इस सेंटर C2 से P की दूरी रेडियस के बराबर
और पी एक लेवल ऊपर 12 के लेवल पे पहुंच गया है। तो स्टेप थ्री क्या है, आप सारे सेंटर्स मार्क करेंगे, 2 डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे C2, 3 डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे C3, 4 डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे C4। और फिर स्टेप फोर क्या है, आप सारे लेवल्स बनाएंगे, 12 का 2 का लेवल, 11 का 3 का लेवल, 10 का 4 का लेवल, 9 का 5 का लेवल, और 6 का और 8 का लेवल, और 7 का लेवल। और फिर आप प्रकार रेडियस के बराबर सेट करेंगे, प्रकार की पिन सेंटर C2 पे रखेंगे और 12 के लेवल पे आर्क लगाएंगे, यू विल गेट P2। देखिए ये 2 डैश के कांटेक्ट में सेंटर C2 पे, और सेंटर C2 से P की दूरी रेडियस के बराबर, और P एक लेवल ऊपर पहुंच गया और लुढ़काए सर्कल को। जब 3 डैश के कांटेक्ट में आएगा तो सेंटर आगे बढ़कर C3 पे पहुंचेगा, और इस नए सेंटर C3 से P की दूरी रेडियस के बराबर होगी एंड P विल मूव 1 लेवल हायर। तो देखिए ये सर्कल लुढ़क रहा है, 3 डैश के कांटेक्ट में आया, सेंटर C3 पे आया, और सेंटर C3 से P की दूरी रेडियस के बराबर, और P एक लेवल ऊपर, दिस इज P3। तो इसी तरीके से आप काम करते जाएंगे और आपका साइक्लॉइड जो है वो बन जाएगा। देखिए साइक्लॉइड बनाना अब हम चालू कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिस पर कि हमारा सर्कल रोल होएगा, और अब इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी और इस पे सर्कल का सेंटर मार्क करेंगे। हमारे सर्कल का रेडियस कितना है, हमारे सर्कल का रेडियस है 25 मिलीमीटर, तो 25 मिलीमीटर रेडियस के बराबर कंपास सेट किया, कंपास की पिन रखी परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के इंटरसेक्शन पे, और ये आर्क लगाया एंड दिस इज द सेंटर C1, और सेंटर C1 पे कंपास की पिन रख के हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया ऑफ रेडियस 25 मिलीमीटर। ये यहाँ पे मैं डायमेंशन कर रहा हूं, डायमीटर ऑफ द सर्कल। यदि सर्कल का रेडियस 25 मिलीमीटर है तो सर्कल का डायमीटर कितना होगा, द डायमीटर ऑफ द सर्कल विल बी 50 मिलीमीटर। डायमीटर इंडिकेट करते वक्त हम फाई सिंबल का यूज करते हैं। ये हमारा रोलिंग सर्कल है, दिस इज द रोलिंग सर्कल। और ये रोलिंग सर्कल रोल होएगा इस तरीके से, और इसके सर्कमफेरेंस पे ये जो पॉइंट है पी, इसका रास्ता हमें ट्रेस करना है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि इस रोलिंग सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं, 30 डिग्री रोल करेंगे रोलिंग सर्कल को, पी जहां पहुंचेगा मार्क करेंगे। तो सबसे पहले ड्राफ्टर के हॉरिजॉन्टल स्केल से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके इस रोलिंग सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फिर 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कंपास हमने रेडियस के बराबर सेट किया, कंपास की पिन रखी प्लस के और सर्कल के इंटरसेक्शन पे, और इधर उधर 2 आर्क्स लगाए, ऐसा हमने चारों पॉइंट्स पे रख के करा। तो ये रोलिंग सर्कल जो है 12 इक्वल पार्ट्स में बट गया, और इन पॉइंट्स का अब मैं नाम दे रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये रोलिंग सर्कल 30 डिग्री रोल हो जाएगा और जब 2 जमीन पे आ जाएगा तो पी कहाँ पहुंचेगा। तो पहली बात तो ये कि 2 जमीन पे कहाँ आएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि जब पूरा एक रिवॉल्यूशन रोल हो जाता है रोलिंग सर्कल तो कितना आगे बढ़ता है, इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस 2πr। तो जब 1/12 ऑफ रिवॉल्यूशन से रोल होएगा रोलिंग सर्कल तो कितना आगे बढ़ेगा रोलिंग सर्कल, 1/12 ऑफ सर्कमफेरेंस के बराबर आगे बढ़ेगा।
तो हम सरकमफेरेंस के बराबर लेंथ की एक लाइन ले रहे हैं 2 पाई आर इक्वल टू 157 मिलीमीटर, और इस सरकमफेरेंस के बराबर लेंथ की लाइन को हम 12 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। इसको 12 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए 1 से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ एनी लेंथ एंड एट एनी एंगल, फिर छोटा वाला प्रकार लेंगे और इस तिरछी लाइन पे 12 आर्क्स लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये जो 12वां आर्क है इसको हम लास्ट पॉइंट से जोड़ेंगे, ड्राफ्टर को उसी पोजीशन में टाइट करेंगे और फिर पैरेलल लाइंस बनाते जाएंगे। 12वें आर्क को लास्ट पॉइंट से जोड़ा, ड्राफ्टर टाइट किया और अब हम पैरेलल लाइंस बनाते जा रहे हैं, और ये पैरेलल लाइंस हमारी सरकमफेरेंस के बराबर लेंथ की हॉरिजॉन्टल लाइन को 157 मिलीमीटर लेंथ की लाइन को 12 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। ये 12 भाग हो गए और अब इन 12 भागों के हम नाम दे रहे हैं 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 और 1। अब जब सर्कल लुढ़केगा 30 डिग्री 2-2 के कांटेक्ट में आएगा तो सेंटर कहाँ पहुंचेगा? देखिए सेंटर सेंटर के लेवल पे हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेगा और 2 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है हमने, ये जहां सेंटर के लेवल से टकराई है दैट इज द सेंटर C2। जब 2-2 के कांटेक्ट में आएगा सेंटर C2 पे पहुंचेगा और सर्कल की नई पोजीशन ऐसी रहेगी और P एक लेवल ऊपर 12 के लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये 12 का लेवल हमने बनाया और ये जहां सर्कल को इंटरसेक्ट हुआ है इस पॉइंट पे दिस इज P2। और 30 डिग्री लुढ़केगा सर्कल, जब 3-3 के कांटेक्ट में आएगा तो सेंटर C3 पे पहुंचेगा और P एक लेवल ऊपर 11 के लेवल पे पहुंच जाएगा और इस सेंटर C3 से उसकी दूरी रेडियस के बराबर रहेगी। तो कंपास रेडियस के बराबर सेट किया और 11 के लेवल पे आर्क लगाया, दिस इज P3। और 30 डिग्री लुढ़केगा सर्कल, 4-4 के कांटेक्ट में आएगा तो सेंटर C4 पे पहुंचेगा यहां पर और P एक लेवल ऊपर 10 के लेवल पे पहुंचेगा। तो कंपास रेडियस के बराबर सेट करेंगे, सेंटर C4 पे कंपास की पिन रखेंगे और ये आर्क लगाएंगे 10 के लेवल पे, दिस इज P4। और 30 डिग्री लुढ़केगा सर्कल, 5-5 के कांटेक्ट में आएगा तो सेंटर C5 पे पहुंचेगा और P एक लेवल ऊपर 9 के लेवल पे पहुंचेगा। तो कंपास की पिन सेंटर C5 पे रख के कंपास उतना ही सेट रखते हुए 9 के लेवल पे आर्क लगाएंगे, दिस इज P5। और 30 डिग्री लुढ़केगा सर्कल, 6-6 के कांटेक्ट में आएगा, सेंटर यहां पहुंचेगा C6 पे और P एक लेवल ऊपर 8 के लेवल पे पहुंचेगा। कंपास रेडियस के बराबर सेट किया, सेंटर C6 पे कंपास की पिन रखी और 8 के लेवल पे आर्क लगाया, दिस इज P6। और 30 डिग्री लुढ़केगा सर्कल, 7-7 के कांटेक्ट में आएगा, सेंटर पहुंचेगा C7 पे और P एक लेवल ऊपर 7 के लेवल पे पहुंचेगा। कंपास रेडियस के बराबर सेट करिए, कंपास की पिन सेंटर C7 पे रखिए और आर्क लगाइए, इट हैज टेंजेंशियली टच द लेवल ऑफ 7 एंड दिस इज P7। अब इसके आगे P8 कैसे लोकेट करेंगे ये समझते हैं। देखिए हमारी ड्राफ्टिंग में हम सर्कल को आधा रिवॉल्यूशन लुढ़का चुके हैं, तो ये एनिमेशन वहां तक पहुंच जाए फिर हम कंसेप्ट डेवलप करते हैं। 7-7 के कांटेक्ट में आ जाए
पी पी सेवन पे पहुंच जाए, फिर हम सोचेंगे कि पी एट को कैसे लोकेट करा जाए। ये 77 डेज के कांटेक्ट में आ गया है, सेंटर सी सेवन पे पहुंच गया है और पी टॉप लेवल पी सेवन पे पहुंच गया है। और अब जब 88 डेज के कांटेक्ट में आएगा तो सेंटर सी सेवन से आगे बढ़ के सी एट पे पहुंचेगा और पी एक लेवल नीचे और राइट में पहुंचेगा। यहाँ पर देखिए 88 डेज के कांटेक्ट में आ रहा है, सेंटर सी एट पे पहुंचा और पी एक लेवल नीचे राइट में पहुंचा है। लेफ्ट में नहीं लगाना है आपको आर्क, पी एक लेवल नीचे राइट में पहुंचेगा। अब पी एट लोकेट करने के लिए 8 डेज से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जहां सेंटर के लेवल से टकराए दैट इज सी एट। सी एट पे कंपास की पिन रख के एक लेवल नीचे राइट में आर्क लगाइए, दिस इज पी एट। और सर्कल लुढ़केगा 30 डिग्री, 9 9 डेज के कांटेक्ट में आएगा तो सेंटर कहाँ पहुंचेगा, सी नाइन पे, और पी एक लेवल नीचे पहुंचेगा। सेंटर सी नाइन पे कंपास की पिन रख के एक लेवल नीचे आर्क लगाइए, दिस इज पी नाइन। और 30 डिग्री लुढ़केगा सर्कल जब 10 10 डेज के कांटेक्ट में आएगा तो सेंटर सी टेन पे पहुंचेगा और पी एक लेवल नीचे पी टेन पे पहुंचेगा। सेंटर सी टेन पे कंपास की पिन रख के एक लेवल नीचे आर्क लगाया, दिस इज पी टेन। और जब 11 11 डेज के कांटेक्ट में आएगा सेंटर सी इलेवन पे और पी एक लेवल नीचे पी इलेवन पे। और फिर जब 12 12 डेज के कांटेक्ट में आएगा सेंटर सी ट्वेल्व पे पहुंचेगा और पी एक लेवल नीचे पी ट्वेल्व पे पहुंचेगा। और अल्टीमेटली जब सर्कल का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो सेंटर यहां पे पहुंच जाएगा, 1 डेज से ड्रॉ करी हुई वर्टिकल लाइन जहां सेंटर के लेवल को इंटरसेक्ट कर रही है, एंड पी विल टच द ग्राउंड। ये हमें साइक्लॉइड के पॉइंट्स मिल गए हैं, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 और P1, और इन पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व्स। द यूज ऑफ फ्रेंच कर्व्स हेल्प्स अस टू ड्रॉ स्मूथ कर्व्स, हेंस वी गेट अ ब्यूटिफुल साइक्लॉइड। फ्रेंच कर्व से ज्वाइनिंग करते वक्त ये ध्यान रखना रहता है, आप कर्व के अलोंग 3 पॉइंट मिलाइए और जोड़िए 2 पॉइंट। इस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो फ्रेंच कर्व के द्वारा आप अच्छे स्मूथ कर्व बना पाएंगे। ये डिफरेंट पॉइंट्स को हम जोड़ रहे हैं और अब ये जो सबसे ऊपर का पोर्शन है वो इस कर्व से नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि उसका रेडियस काफी ज्यादा है, तो उसके लिए बड़ा वाला फ्रेंच कर्व हम यूज कर रहे हैं। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद फ्रेंच कर्व का यूज करना हम सीख जाएंगे। ये जो कर्व बना है, दिस कर्व इज कॉल्ड ए साइक्लॉइड। अब और क्या करना बचा हुआ है इस क्वेश्चन में? देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, कंस्ट्रक्ट अ साइक्लॉइड गिवन डायमीटर ऑफ जनरेटिंग सर्कल इज 50 मिलीमीटर, ड्रॉ अ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट 35 मिलीमीटर अबव द बेस लाइन। ड्रॉ अ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट 35 मिलीमीटर अबव द बेस लाइन। हमें साइक्लॉइड के उस पॉइंट पे नॉर्मल और टेंजेंट बनाने हैं जिसकी बेस लाइन से ऊंचाई 35 मिलीमीटर है। सबसे पहले आपका नॉर्मल का कॉन्सेप्ट मैं डेवलप कर रहा हूं। What is normal to the curve at any point on it? Normal to the curve at point P is simply a line perpendicular to the curve. ये red color की normal है cycloid की। और tangent क्या होता है? Tangent at any point P
मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ नॉर्मल एट दैट पॉइंट, पहली बात। या दूसरी बात, किसी भी पॉइंट पी पे आपको टेंजेंट बनाना है तो ड्रॉ अ लाइन टचिंग द कर्व एट दैट पॉइंट पी एंड ऑन वन साइड ऑफ द कर्व। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, दिस इज द टेंजेंट टू द साइक्लॉइड एट द पॉइंट पी। आई एम गिविंग यू वन मोर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल। मैं इस सर्कल को रोकूंगा और फिर उस पॉइंट पे नॉर्मल डिफाइन करूंगा। जैसे ये इस पॉइंट पी पे नॉर्मल ड्रॉ करनी है, तो जब पी यहां है तो सेंटर कहां है सबसे पहले ये पता करिए, और फिर सर्कल का और स्ट्रेट लाइन का कॉन्टेक्ट पॉइंट निकालने के लिए सेंटर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। दिस इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द बेस लाइन। इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को आप पी से जोड़ेंगे तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, दिस इज द नॉर्मल टू द साइक्लॉइड एट पॉइंट पी, और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी that will be the tangent to the cycloid at point P. हमें cycloid के उस point पे tangent normal बनाना है जिसकी baseline से ऊंचाई 35 millimeter है। तो baseline से 35 millimeter की ऊंचाई पे एक line draw करिए parallel to the baseline, और वो लाइन साइक्लॉइड से दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। किसी भी पॉइंट्स पे आप टेंजेंट और नॉर्मल बना सकते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है 35 मिलीमीटर अबाउ द बेस लाइन, और इस लाइन ने साइक्लॉइड को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा है, एक ये वाला पॉइंट पी और दूसरा इधर वाला पॉइंट। तो इस P पे नॉर्मल बनाने के लिए कंपास रेडियस के बराबर सेट किया, P पे रखी कंपास की पिन और सेंटर CP मार्क किया, और ये सेंटर CP से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो जहां बेस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी दैट इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट N, और इस कॉन्टेक्ट पॉइंट N को हम P से जोड़ देंगे। तो NPM इज द नॉर्मल टू द साइक्लॉइड एट पॉइंट P। ये ड्राफ्टर के द्वारा नॉर्मल बनाने में फायदा यह रहता है कि जो टेंजेंट है वो हम आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ड्राफ्टर के एक स्केल से यदि हम नॉर्मल खींचते हैं तो दूसरे स्केल से हम टेंजेंट खींच लेते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ हो गई है साइक्लॉइड के पॉइंट पी पे, और ये ड्राफ्टर के दूसरे स्केल से हम टेंजेंट टू द साइक्लॉइड ड्रॉ कर रहे हैं एट पॉइंट पी ऑफ द साइक्लॉइड। ये दिस लाइन इज द टेंजेंट टू द साइक्लॉइड। तो नाउ यू कैन कंप्लीट योर क्वेश्चन, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन रीप्ले द वीडियो। थैंक यू।